प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रतलाम दौरे से पहले पूर्व गृह मंत्री कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी पर हुए नाराज मीडिया से कहा कि अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। हिम्मत कोठारी। विगत दिनों जावरा में अलग अलग थाना क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में FIR दर्ज हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता के भतीजे और उसकी पत्नी का नाम आने पर गृह मंत्री कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी से मिलने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले में अपनी नाराजगी व्यक्त की। गृह मंत्री हिम्मत कोठारी का कहना था कि अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। हिम्मत कोठारी, हम दोषी नहीं है, प्रशासन ने तो नोटिस दिया और ना कोई तथ्य देखा। कलेक्टर साहब को सही तथ्यों की जानकारी देने आया था, यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, पर दोषी को पूछो कि आपने क्या अपराध किया है। मेरी बहू पर मामला दर्ज कर दिया, वो कोई कॉलोनाइजर नहीं है और ना ही मेरे भतीजे की कोई कॉलोनी है। ज्ञात हो कि जावरा और पिपलोदा में जिला प्रशासन के राजस्व विभाग के प्रतिवेदन पर 14 वो माफिया के खिलाफ जावरा में FIR दर्ज की गई है, जबकि एक प्रकरण पिपलोदा का है और लिस्ट सार्वजनिक की है। वहीं कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का कहना है कि विभिन्न प्रकार की अवैध कॉलोनियां हैं जिनके खिलाफ जावरा में जांच कर संबंधित नगरपालिका द्वारा जावरा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। लगभग 44 कॉलोनी है, जिसमें 15 कॉलोनी जावरा की है, जिसमें अवैध कॉलोनी काटना, सरकारी जमीन की हेराफेरी कर मकान बनाना, सार्वजनिक प्रयोजन की जमीनों पर मकान बनाना आदि। जहां तक पूर्व गृह मंत्री की बात है, वो सम्मानित है, बात करने आए थे। उनका कहना था कि पूरे मामले में जांच की जाए फिर कार्रवाई की जाए, उनकी बातों का सम्मान है, हम सभी पहलुओं की जांच करेंगे, निर्दोषों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। क्या मामला हो गया था कि आपको यहां कोर्ट ऑफिस जाना पड़ा? ये मामला तो जावरा का है, ये मेरा भतीजा है और मामला ये है कि हम दोषी नहीं हैं, मेरे भतीजे की मिसेस, परंतु ना हमको कोई नोटिस ना कोई कहा जाता है और हमारे खिलाफ केस बन जाता है। इसलिए सारे तथ्य बताने के लिए कलेक्टर साहब के पास आया था। मेरा ये कहना है कि अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, परंतु दोषी को पूछो तो सही, आपके आपने क्या अपराध किया है, ये हमारी नज़र में आपका ये अपराध है, कोई नोटिस नहीं। कलेक्टर साहब से पहले मिले थे तो उसी समय कलेक्टर साहब ने फ़ोन किया था और उनको कहा था कि भाई तथ्यात्मक जांच करो, हकीकत की जांच करो, पर जांच ही नहीं की। और 5 तारीख को मेरी बहू के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। अभी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, अन्याय हिम्मत को उठा दिया बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका जिस दृष्टि से मुकाबला करना होगा करूँगा। अच्छा, जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एक तरफा की है? एक तरफा, भाई आप दोषी को पूछो सही, और दूसरा इस कॉलोनी में मेरी बहू जो है इसकी मिसेल, वो तो कॉलोनाइजर ही नहीं है, उसकी जमीन थी, शांतिलाल जी करके नाम के व्यक्ति ने काटे, पावर अटर्नी उनको दी थी, पहले उसको पावर अटर्नी दी थी तो उसमें भी उनको नोटिस दिया था। और इसलिए अब सारी बर्दाश्त करने की सीमा टूट गई है, अब देखते हैं क्या होता है। अब ऐसा देखिए, सब चीज़ें ओपन नहीं होती है, पर कलेक्टर साहब का पहले भी सकारात्मक रूप था, आज भी सकारात्मक। 14 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई है, क्या कुछ आपको शिकायतें मिली, क्या कार्रवाई आपने की वो मामले के खिलाफ? देखिए, आपको विदित है कि जो विभिन्न प्रकार के जो अवैध कॉलोनी है उसके विरुद्ध जावरा में जांच करके संबंधित नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा पुलिस में प्रकरण दर्ज कराए गए हैं और ये इस तरह से आप लोगों को विदित है कि लगभग 44 जो है कॉलोनी के विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई की है। इस तरह की शिकायतें आपको लगातार मिल रही थी, क्या आपने आपके पास शिकायत की, आपने जांच करवाई है? देखिए, शिकायतें कुछ मुझे भी मिली थी, कुछ पहले से यहाँ पे जो प्रचलन में थी, वो उसमें अवैध कॉलोनी काटना और जो एमिनिटीज़ की ज़मीन है उसको विक्रय कर देना और जो एमिनिटीज़ में तो सार्वजनिक जो प्रयोजन की होती है उस पर मकान बन जाना और इत्यादि इत्यादि शिकायतें थी जिसपे हम लोगों ने पूर्व में कार्रवाइयाँ की है। सर, पूर्व गृह मंत्री भी आज आप मिले थे, आपसे क्या मामला है? देखिए, जहाँ तक
माननीय हिम्मत कोठारी जी की बात है, तो वो इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक भी और हमारे माननीय पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उन मेरे पास अभी कुछ देर पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। कॉलोनी में जो विभिन्न कॉलोनियों के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो उनका यही था कि जो कॉलोनियाँ के विरुद्ध कार्रवाई होती है उसमें तथ्यों को देख के कार्रवाई करना चाहिए। उनकी बात को हम लोगों ने सम्मान भी दिया है और हमने उनको अनुरोध भी किया है और उनको बताया भी है कि तथ्यों के आधार पर ही जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी, किसी भी निर्दोष के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।